अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। को ज्ञापन देने आया तो क्या पूरा मामला था ये? देखिए, हम सब यहाँ पर देवास सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे JDWA के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जी जैन साहब के नेतृत्व में देवास सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय श्री दिलीप सिंह जी चौधरी, मैं ऋषि सोनी देवास सराफा एसोसिएशन सचिव, हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर ज्ञापन देने इसलिए आए थे। कल हमारे सराफा व्यापारी जो भाई है वो एक कुरियर का काम करता है, उसको सुभाष चौक के पास में से उसको पकड़ा गया। हमारा निवेदन है कि कोई भी जो चीज़ कही गई है वो बाहर से, सिटी के बाहर से कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको पकड़ने की अथॉरिटी उसको दी, लेकिन फिर भी चूंकि अगर पकड़ा है तो इस तरीके से एक गलाने वाले और सराफे से सराफे में कई दुकानों पर सामान का आदान प्रदान होता है, तो हमारा निवेदन सरकार से यही है आज अपने कि भाई उन लोगों को, व्यापारी को, देवास सराफा को इसमें छूट दी जाए और आगे से कोई भी इस तरीके की घटना देवास सराफा व्यापारियों के साथ नहीं। अभी आपकी कलेक्टर साहब से बात हुई थी, क्या बोले कलेक्टर साहब, क्या चर्चा? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप अपनी पूरी लिस्ट दे दें जो सराफे व्यापारी है उनको, हम लोग जो सामान घर से जो दुकान पर लेके जाते हैं वो लोग के आप लिस्ट दें तो हम उनको आगे बता देंगे कि भाई इन लोगों को परेशानी है। भाई साहब आपका नाम और पद? मेरा नाम ऋषि कुमार सोनी, देवास सराफा एसोसिएशन सचिव। ठीक है।